बैतूल के आमला से न्याय पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंची डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरी को सोमवार भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मंगलवार उन्हें सेंट्रल जेल से रिहाई मिल गई है। देर शाम SDM को 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई। जेल से बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने 3 साल के बेटे को गले से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने लोकतंत्र की इस लड़ाई में जनता को अपने साथ बताया। बता दें कि बीते सोमवार बैतूल के आमला से न्याय पदयात्रा करते हुए निशा बांगरे भोपाल पहुंची थी। वह CM हाउस के सामने प्रदर्शन करने जा रही थी, तभी पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान पुलिस से झूमा झटकी के वक्त उनके कपड़े भी फट गए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन तब उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद निशा को जेल भेज दिया गया था। निशा बांगरे सेंट्रल जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गई थी, साथ ही निशा के समर्थक भी देर रात तक जेल के बाहर ही बैठे रहे। दिखाई नहीं दे रही है, तो इस तरह की जो कुकृत्य हमें देखने को 3.5 महीने से मिल रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से, मेरा हाथ जोड़कर यही आग्रह है भारत देश की जनता से कि कृपया करके भारत देश में जो लोकतंत्र स्थापित किया गया है उसको बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। नौकरी वोकरी ये सब छोटी चीजें होती है, हमें अपने स्वार्थ को छोड़ करके पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को और जो सुधार करना चाहते हैं सिस्टम में, उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, नौकरी बहुत छोटी चीज है। नौकरी बहुत छोटी चीज है, ये सब तो आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र को बचाना, अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो कल को हम नौकरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। अभी नौकरी के लिए नौजवान पूरा जीवन लगाने को तैयार है, आपने कहा नौकरी बहुत छोटी चीज है। शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, नौकरी बहुत छोटी चीज है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने आज संविधान को और लोकतंत्र को नहीं बचाया तो हमारे आने वाली पीढ़ी को जो सामना करना पड़ेगा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है और व्यवस्था को सुधार करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, कल आपके साथ गिरफ्तारी दी थी, ऐसे कौन कौन संगठन और राजनीतिक पार्टी के लोग? देखिए, हमारे साथ तो पूरे धार्मिक सर्वधर्म गुरु थे, कल आपने देखा होगा अम्बेडकर चौक पर जो है सभी धर्मों के धर्मगुरु वहां आए थे, तमाम प्रकार के धार्मिक सामाजिक संगठन थे हमारे साथ। यहाँ भोपाल की जो कांग्रेस है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही, कल हमने देखा उनको, तो तमाम लोग खड़े हैं जो लोग घरों से बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, मेरा मानना है कि वो भी हमारे साथ थे और इस बार मुंह तोड़ जवाब सरकार को मिलेगा। PC शर्मा जी ने भी गिरफ्तारी दी, कैबिनेट मंत्री है, वर्तमान विधायक है दक्षिण पश्चिम और जिला अध्यक्ष मोनी सक्सेना, तमाम लोग थे, किस तरह के रिस्पॉन्स मिला है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, वो इस अन्याय की लड़ाई में कल साथ खड़े थे, अभी भी साथ हैं और वो साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह से सभी लोगों को आने की जरूरत है, इसमें किसी पार्टी का होना नहीं चाहिए कि हम किसी एक पार्टी, ये संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, ये महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है, ये समस्त उस वर्ग की लड़ाई है जो सदियों से वंचित रहा है और हाशिए पर रहा है, तो ये सभी की लड़ाई होनी चाहिए। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार उन्होंने करवाया है, तो ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो आगे कैसा क्या कदम हुआ?